तुम मुझे बहुत स्मार्ट लगते हो, आई लाइक यू। अगर तुम मेरे साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो इस गाड़ी के पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। ये लड़की कहाँ निकल गई? अभी 2 मिनट पहले तो उसकी गाड़ी मुझे दिख रही थी, कहाँ चल? अरे ये गाड़ी तो उसी लड़की की है। अच्छा ये घर भी उसी का ही होगा। एक काम करता हूँ, घर के अंदर ही चला जाता हूँ। वाले रूम में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तो क्या हुआ अगर मैं सोतेला भाई हूं तेरा? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज तू इन पेपर पे साइन करके रहेगी, चुपचाप इन पेपर पे साइन कर, वरना तेरे साथ जो होगा ना तू याद रखेगी। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। ऐसे कैसे नहीं करेगी तू साइन? चुपचाप साइन कर दे, वरना मैं आज तेरे साथ जो करूंगा ना सारी जिंदगी याद रखेगी तू। मैंने बोला ना मैं साइन नहीं करूंगी। अच्छा आज तो तेरा अच्छा बंदोबस्त करके आया हूं। ये देख लिया, अगर ये चल गया ना सारी जिंदगी पछताती रहेगी तू। तू ये लड़का कौन है और ये इस घर में क्या कर रहा है? अबे ओ उससे क्या पूछ रहा है कि मैं कौन हूं? मैं बताता हूं ना कि मैं कौन हूं। मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। और जो तू ये हरकत कर रहा है ना अपनी बहन के साथ, मैंने सब देख लिया है, समझा? तेरी गुनाहों की लिस्ट तो बहुत बड़ी लगती है, तेरे को सजा भी अच्छी खासी दिलवानी पड़ेगी। चल तू मेरे साथ थाने चल, मैं तुझे तेरी गुनाहों की सजा दिलवाऊंगा। ओए रुक। थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम पर आकर मेरी जान बचा ली। अगर आप ना आते तो पता नहीं मेरे साथ मेरा भाई क्या करता आज। वैसे आपने बोला कि आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, आप सच में एक पुलिस इंस्पेक्टर हो क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ, वो तो मुझे आपकी जान बचानी थी इसीलिए मैंने ये नाटक किया। अरे मैडम आपने देखा नहीं, आपके भाई के हाथ में चाकू था, वो कितना खतरनाक था। अगर मैं इंस्पेक्टर बनने का नाटक नहीं करता तो वो आपको भी मारता और मुझे भी मारता। मैडम जब आपके साथ इतना गलत हो रहा है तो अभी तक आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं कराई? किसी नॉर्मल इंसान के बदले पुलिस ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। हाँ मैं जल्द से जल्द पुलिस को इसके बारे में कंप्लेन करती हूँ। मैडम मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे गाड़ी में तो कुछ अलग तरीके से इशारा किया था और जब मैं यहाँ आया तो बात कुछ और थी, आपने मुझे मैनिपुलेट क्यों किया? एक्चुअली मैंने हेल्प मांगने की कोशिश की थी। भाई मैं क्यों उसके फालतू झमेले में पड़ूं, अपने आप देख लेगी। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे लगा कि अगर मैं इस तरीके से हेल्प मांगूंगी तो शायद कोई ना कोई मेरी हेल्प जरूर करेगा, और देखो आपने मेरी हेल्प कर दी। बट थैंक यू सो मच। मैडम हर इंसान एक जैसा नहीं होता, अगर आप मुझसे सिंपल वे में भी हेल्प मांगते तो मैं आपकी हेल्प करता। खैर अब कोई बात नहीं, और हाँ आप अभी पुलिस स्टेशन जाके अपने भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ, ठीक है? ठीक है मैडम, आप अपना ख्याल रखना।